तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल अनुज स्टडी पॉइंट पे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हिंदी का, जैसा कि आप लोग को 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ है, उसका आंसर की लेकर आ गया हूँ। ये आंसर की आप लोग को मैं बताऊंगा, सेट नंबर ये है। आपका जो भी सेट हो अच्छे ढंग से मिला लीजिएगा। और आप लोग चलते हैं अपने वीडियो में, किस तरह से कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग का सही होता है, तो आप लोग को मैं करेक्ट सभी ऑब्जेक्टिव को बताऊँगा और अच्छे से आप लोग मिला लीजिएगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हिमालय का संदेश का शीर्षक कविता कविता के कवि कौन थे। तो कविता के कवि तो रामाधर सिंह दिनकर थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आप लोग बुक पढ़ के गए होंगे तो बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन इस बार पूछा गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जीवन का संदेश का शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो जीवन का संदेश का शीर्षक के कविता के कवि जो है राम नरेश त्रिपाठी थे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीन नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है, यानी उनके द्वारा लिखा गया था। तो जैसा कि बहुत ही ईजी और सिंपल क्वेश्चन है, मगर जो है वो लिखा गया था रामवृक्ष बेनीपुरी के। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चार नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न में से किस लेखक को कलम का सिपाही कहा जाता है। तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं पाँच नंबर क्वेश्चन की ओर। पाँच नंबर में बोला जा रहा है कि महादेवी वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था, यानी किस ईस्वी कितने ईस्वी में हुआ था। तो महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था वह 1907 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कबीर रविन्द्रनाथ ठाकुर का साहित्य कौन सा विधा है। तो जैसा कि आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि रविन्द्रनाथ ठाकुर जो साहित्य को जो विधा है वो उपन्यास है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी राइट ऑब्जेक्टिव आप लोग को बता रहा हूँ, करेक्ट करेक्ट ऑब्जेक्टिव आप लोग को। सेवन नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न से किस रचनाकार कथा का सम्राट कहा जाता है। तो कथा का सम्राट, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि कथा का सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आठ नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सुमित्रा पंतन का जन्म कहाँ हुआ था। तो सुमित्रा पंतन का जो जन्म हुआ था वो कौसनी में हुआ था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नौ नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न में से कवि के प्राकृतिक सुकुमार कहा जाता है। तो प्राकृतिक सुकुमार जो कहा जाता है आप लोग को, तो प्राकृतिक का सुकुमार सुमित्रा पंतन को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन में मारा है उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा आप लोग, जो मैं बता रहा हूँ वो करेक्ट आप लोग का ऑब्जेक्टिव होगा। दस नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लेखिका के कथा अनुसार निम्न में से गोपालक देश कौन सा है। तो गोपालक देश है जो अपना देश भारत है। तो ऑप्शन ये यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं ग्यारह नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न में से महादेवी वर्मा का किस काल खंड की कवित्री थी। तो महादेवी वर्मा जो थी वह आधुनिक काल की कवित्री थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बारह नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है आप लोग की पंच परमेश्वर की साहित्य कौन सा विधा है। तो पंच परमेश्वर का साहित्य जो है वो कहानी है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तेरह नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द्वेष शब्द का संधि सही संधि विच्छेद करें। तो द्वेष शब्द का आप लोग एक ग्रामर से अब क्वेश्चन आने लगा। तो द्वेष शब्द का सही संधि विच्छेद होगा देव प्लस ई। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौदह नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हिमालय का सही संधि विच्छेद करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हिम प्लस आलय हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंद्रह नंबर में बोला जा रहा है कि किताब का सही विशेषण करें। तो किताब का सही विशेषण आपका हो जाएगा किताबी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं सोलह नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नीति शब्द का सही विशेषण क्या होगा। तो नीति शब्द का सही विशेषण नैतिक होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सत्रह नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लिंग आधारित पर निम्नलिखित कौन सा वाक्य सही है। सही वाक्य इसमें पूछा जा रहा है घी महंगा है, घी महंगी है। जैसा कि आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि घी जो है स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी घी महंगी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अठारह नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लिंग आधारित निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। फिर से वही क्वेश्चन आपको रिपीट किया गया है, लिंग के आधारित आपको दिया गया है। तो पूजा हो रही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उन्नीस नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लिंग आधारित निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। लिंग से आप लोग को तीन नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। तो लिंग इसमें बोला जा रहा है कि कलम नई है। तो ऑप्शन बी यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बीस नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आकाश का सही विशेषण क्या होगा। आकाश का सही विशेषण रूप होगा आसमानी होगा। बहुत सारे स्टूडेंट मार्क क्या आया आकाशीय, आकाशीय नहीं होगा आसमानी होगा। तो ऑप्शन बी यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इक्कीस नंबर में बोला जा रहा है कि त्रिभुज कौन सा समास अधि समास है। तो आप लोगों को बता देना चाहिए त्रिभुज जो है वह डिंगू समास है। तो ऑप्शन बी यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं बाईस नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से चतुरानन शब्द में कौन सा समास है। तो चतुरानन शब्द में आप लोग को हो जाएगा
तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा बहुविग्रीय समास। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है संभव का शब्द का विलोम क्या होगा। इजी सिंपल क्वेश्चन है, संभव का आपका विलोम हो जाएगा असंभव। 24 नंबर में बोला जा रहा है पुरुष शब्द का विलोम क्या होगा, पुरुष का हो जाएगा स्त्रीलिंग। बहुत ईजी सिंपल क्वेश्चन है। 25 में बोला जा रहा है कि सजीव शब्द का विलोम क्या होगा, सजीव का आपको हो जाएगा निर्जीव। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न में से रंग जमाना का मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा। तो रंग जमाना यानी धाक जमाना किसी पर, रंग जमाना जैसा कि आप लोग बोलते हैं कि रंग जमा रहा जादे, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा धाक जमाना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में बोला निम्न में से कलम तोड़ना का मुहावरा का क्या अर्थ होगा। तो कलम तोड़ना का मुहावरा का अर्थ होगा बढ़िया लिखना। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में बोला निम्न क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन शब्द का उपसर्ग है। अनुशासन शब्द का उपसर्ग इसमें हो जाएगा अनु, जो लास्ट में आप लोग को फर्स्ट उपसर्ग जो होता है कोई भी शब्द के आगे लगता है तो अनु हो जाएगा यहाँ पर उपसर्ग। 29 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्न में से दिखावट शब्द का प्रत्यय है, दिखावट का आपको सही प्रत्यय हो जाएगा आवट। तो ऑप्शन ये यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 30 नंबर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जैसा कि आप लोग को इस बार जो एग्जाम लिया गया बहुत ही ईजी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया होगा, आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो इस बार का एग्जाम गया बहुत ही बेटर आप लोग को गया होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इस बार हिंदी में पूछा गया बहुत ही ईजी और सिंपल पूछा गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वंदे मातरम। सभी सब्जेक्ट का इस बार आंसर किया आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वंदे मातरम।